So, hey, what is up, guys? Welcome back to a brand new gameplay video. स्वागत है आप सभी का फार्मिंग सिमुलेटर की एक बहुत ही ज्यादा मजेदार वाली गेमप्ले वीडियो में। एंड भाई साहब, लास्ट एपिसोड में भाई मैंने यहाँ पे बना लिया था अपना एक काउ बांध जो कि भाई बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड फिलहाल इसके अंदर भाई हमारी 80 काउस। एंड फिलहाल के लिए भाई ये सबके सब यहाँ पे सो रहे हैं क्योंकि भाई सुबह के देख रहे हो तुम लोग, सिर्फ और सिर्फ 6 बजे अभी। एंड भाई मैं सुबह सुबह आ चुका हूँ यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने। एंड भाई मतलब बहुत सारा काम करना है हमें, यार देख रहे हो इतना कुछ यहाँ पे हमारा हो चुका है। एंड भाई खाना वाना भी इनका खत्म होने वाला, तो वो भी मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। बट फिलहाल मैं तुम लोग यहाँ पे जल्दी दिखाया था भाई ये अपने कुछ काउस हैं, जिसमें से हमारे पास भाई 60 टोटल हैं मिल्क वाली, जो कि हमें भाई यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस कर देंगी। तो भाई इनने 4800 लीटर जो है प्रोड्यूस किया, इनने 4800 प्रोड्यूस किया। एंड भाई स्लरी अपने पास काफी आ चुके हैं। एंड गाइस यार यहाँ पे स्ट्रॉ के लिए देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जल्दी से ले आकर के बाहर। एंड एक सेकंड अटक क्यों रहा है, तो मैं तुम्हें भाड़क दिखाता हूँ। भाई तुम्हें देख रहे हो भाई ये है भाई मैन्योर हिप एक्सटेंशन। हाँ, मैन्योर हिप एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे लगा दिया एक, एंड एक मैंने लगा दिया उधर पे। एंड आई गेस यार ये शायद से काम नहीं कर रहा, शायद से, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो एक काम करते हैं भाई, मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ ना, ये सेम चीज ना एक बार मैं यहाँ पे और ट्राई करके देख लेता हूँ, जिससे भाई मेरे को थोड़ा पटियारी डिजाइन खराब हो जाएगा। सो एक सेकंड रुको, तो मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। यहाँ पे ये काम करता है कि यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे भी एक बार मैं इसको यहाँ पे लगा के देख दिया। एंड एक या दो दिन के लिए मैं यहाँ पे इसको लगा कर छोड़ दूंगा, एंड फिर देखता हूँ आकर के भाई यहाँ पे ये कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा। एंड देन उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे बाकी की चीजें। बट फिलहाल भाई आज हम लोग क्या करने वाले, भाई आज है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डे। आज भी हमें बहुत सारी तगड़ी तगड़ी चीजें करनी है। बट उससे पहले एक काम करता हूँ भाई, रात का थोड़ा टाइम है, लाइट एक बार मैं ऑन ही कर लेता हूँ जिससे दिक्कत दिक्कत ना हो। एंड अभी मैं अपने ट्रैक्टर को बिल्कुल आराम से मोड़ता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल प्यार से एकदम। एंड इसको हम लोग लेकर चलते हैं अंदर, कि भाई अंदर हो रहा है उनका खाना वाना कम, तो भाई जल्दी से ले जा करके उनका खाना वाना डालते हैं। एक सेकंड भाई, हाँ यहाँ से बिल्कुल सीधा लेकर के जाना है इसको एकदम प्यार से। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, लेट्स गो। तो मेरे को यहाँ, अरे 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 नीचे क्यों उतर गया भाई मैं, ठीक है इसको मेरे को यहाँ पर सिंपली पोर करते हुए आगे तक लेके जाना है। सो भाई ये भी ख़त्म होने वाला है, लेट्स गो। भाई ये ख़त्म हो चुका है, तो इसी चीज़ के लिए भाई मेरे को यहाँ पे आज कुछ चीज़ें करनी है, वो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे को भाई इसको पार्क कर देना है सिंपली यहाँ पे, लेट्स गो। ठीक है ये मैं क्या खोल रहा हूँ, ठीक है इसको मैंने पार्क कर दिया। अब हमारे पास भाई यहाँ पे खाने की जो है थोड़ी सी कमी हो रखी है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ फटाफट से। पहले देख रहा हूँ खाना हमारे पास भाई थोड़ा कम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा है भाई ये सब चीज़ें हैं जो अपने पास यहाँ पे हो रखी हैं। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मेरे को जाना है सबसे पहले सीधा कहाँ पे, सीधा मेरे को जाना है यहाँ पे व्हीकल शॉप पे, ठीक है यहाँ पे हम पहुँचते हैं फिलहाल विजिट। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को जाना है सबसे पहले कुछ चीज़ें खरीदने जो कि भाई बहुत तगड़ी तगड़ी होने वाली है, जिसमें सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे ख़रीदने वाले हैं। भाई तुमने यार टाइटल में देख लिया होगा यार, हम लोग आज ख़रीदने वाले हैं एक मर्सिडीज़ का ट्रक। बट यार मेरे को मिल नहीं रहा, कहाँ चला गया, एक सेकंड भाई, अच्छा ट्रक्स में आएगा ना भाई वो, मैं अभी कहाँ देख रहा था भाई। तो भाई आज हम लोग ख़रीदने वाले हैं मर्सिडीज़ का ट्रक। तुम लोग देख रहे हो कितना बेसिक सा, कितना अजीब सा लग रहा है, बट अब शुरू होती है इसकी मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं भाई यहाँ पे, नहीं ये नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए ये। एंड बाकी और भी क्या क्या है इसमें, बाकी भाई बेकार बेकार है। हमें चाहिए भाई बेल्ट ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है इंजन हमें चाहिए भाई, इंजन सबसे मैक्स वाला चाहिए हमें। व्हील ब्रांड भाई आई गेस मर्सिडीज़ के व्हील्स ही सबसे बेस्ट लग रहे हैं इस पर, सो हम जाएंगे भाई मर्सिडीज़ के व्हील्स के साथ। व्हील सेटअप भाई मैं यहाँ पर रख सकता हूँ बिग टायर एंड वाइट टायर्स, तो भाई बिग एंड वाइट रखते हैं हम, तो भाई बिग एंड वाइट ये रहा। देख रहा कितने ज़्यादा बड़े हो गए भाई टायर हमारे। बीकन, हाँ बीकन रख सकते हैं भाई, बीकन अच्छा लगता है काफ़ी देखने में। देन फिर भाई एग्जॉस्ट भाई ये वाले रखते हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। रूफ में भाई हम लोग यहाँ पे फ्रेम भी रख सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइट्स भी रख सकते हैं। एयरकॉन प्लस फ्रेम, एयरकॉन प्लस एक्स्ट्रा लाइट्स, एयरकॉन प्लस एक्स्ट्रा लाइट्स रखते हैं ना, ये अच्छा लगेगा। या फिर हाँ एयरकॉन गाइस ये रखते हैं, हमको मेरे को ना फ्रेम काफ़ी सही लग रहा है देखने में। या और भी कुछ है इन पर, एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है एक्स्ट्रा लाइट्स वाले रखते हैं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है काफ़ी देखने में, ठीक है। हॉर्सू सनफ्लावर शील्ड प्लस हॉर्न, ये भी भाई हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। हॉर्सू सनफ्लावर शील्ड ऑल एक्स्ट्रास लगा लेते हैं भाई, ये बढ़िया लग रहा है देखने में, ठीक है। प्रोटेक्टिव इंस्टॉलेशंस, तो इसमें भाई हम लोग यहाँ पे कॉर्न रेडिएटर क्रिल जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है भाई, देख रहे हो कितनी क्यूट सी लग रही है। ये भी नहीं भाई, ये नहीं रखने वाला। ओ भाई, अरे भाई साहब ये करते हैं, ठीक है रुको। ब्लैक भाई, ब्लैक मिल गया जिसमें भाई चार लाइट भी एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो भाई ये रखने वाले हम लोग। एंड भाई फ्रंट एंड रियर हाइड्रोलिक्स भाई ये भी रख लेते हैं, जो कि भाई और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा हमारे ट्रक की। सो अब बारी आती है भाई कलर की, तो कलर भाई मैं इसमें ब्लैक रख सकता हूँ, बट यार ब्लैक में ना सारी चीज़ें डिटेलिंग दिखेगी नहीं, तो भाई इसका हम लोग कलर रखने वाले हैं वाइट। फ्लैट बेड का कलर मैं यहाँ पे रख देता हूँ ब्लैक, फ्लैट बेड का भाई हम लोग ब्लैक रख देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। कवर तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो भाई फिलहाल इसको वाइट कर देता हूँ। रिम का कलर हम लोग कर देते हैं भाई सिल्वर, एंड रिम का दूसरा कलर कर देते हैं भाई हम लोग यहाँ पे वाइट रख देगा। वाइट एंड सिल्वर भाई काफ़ी बढ़िया तो लग रहे हैं, बट अच्छी भाई रेड नहीं,
हम थोड़ा सा लाइटर वर्जन के साथ जा सकते हैं। लाइक ये वाला सही था भाई, ये वाला सही था बिल्कुल। ठीक है, नंबर प्लेट वगैरह मैं छेड़ने वाली डाला क्योंकि इसके अंदर भाई काफ़ी टाइम लग जाता है। तो भाई ये हमारा ट्रक यहाँ पे बन चुका है, इसको मेरे को भाई करना है सिंपली बाय, क्योंकि इसको हम लोग लीज नहीं कर सकते, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है चीज़ों में। सो भाई ये देखो, ये आ चुका है हमारा मर्सिडीज़ का ट्रक। एंड भाई इसका इंटीरियर देख रहे हो तुम लोग, भाई मर्सिडीज़ लोगो भाई इसी के तो पैसे हैं भाई, इसी के इतने पैसे दिए हमने। एंड भाई तुम लोग देख रहे हो, मतलब यार इसको हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में। ठीक है, देखो एक चीज़ होगी, अब मेरे को यहाँ पर लाइटिंग चेक करनी है क्योंकि इसके अंदर भाई बहुत सारी लाइट्स। गाइस देख रहे हो तुम लोग लाइट्स, मतलब एक ये दो लाइट चल गई, यहाँ के पीछे की लाइट चल गई। ठीक है, एंड ये देखो भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, भाई 20 से ज़्यादा लाइट्स है भाई इसके अंदर। भाई साहब कमाल चीज़ है भाई एकदम। ठीक है, देखो ये चीज़ तो हमारे पास हो गई। एंड अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को जाना है सिंपली यहाँ पे अपने मीडियम ट्रैक्टर्स पे। एंड मेरे पास एक ट्रैक्टर था मेरा फेंडेट का, वो मेरे को यहाँ पे ढूंढना है कहाँ पे है फेंडेट के ट्रैक्टर्स। गाइस आई गेस वो लास्ट ट्रैक्टर में था, सो एक बार मैं जल्दी से उसको देखता हूँ कहाँ पे है भाई वो। ऑलराइट, तो गाइस यार मेरे को मेरा ट्रैक्टर मिल चुका है जो कि भाई छोटा सा है, क्यूट सा है, एंड भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसको मेरे को यहाँ पे देखो सबसे पहले व्हील, ओ भाई साहब ये भी कर सकते हैं हम लोग, नाइस भाई, मतलब वहाँ पर कस्टमाइजेशन भाई बहुत सारी मिल जाएंगी इसके अंदर हमें। सो टायर्स के लिए भाई मैं BKT के साथ जाने वाला हूँ भाई, ये बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड है। एंड गाइस यार यहाँ पर ना प्लान में एक छोटा सा चेंज है, तो उसके लिए मैं आप क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली भाई फ़िलहाल के लिए बाय करने वाला हूँ एक स्मॉल ट्रैक्टर, बिकॉज भाई बड़े ट्रैक्टर ख़रीदने की फ़िलहाल हमारे पास अभी कोई है नहीं, क्योंकि भाई अपने पास पैसे नहीं थे जो हम बड़ा वाला ट्रैक्टर ख़रीद सकें। सो मैं क्या करने वाला हूँ, एक छोटा ट्रैक्टर ख़रीदने वाला हूँ जो कि भाई हमारे सारे काम कर सके। तो छोटे ट्रैक्टर में भाई हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बट मैं सबसे पहले सबसे चीप वाले के साथ जाने वाला हूँ, बट इसके अंदर वो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते जो मेरे को करनी है। सो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक तो नहीं भाई, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भाई वो बात नहीं होगी कि भाई ट्रैक्टर से इलेक्ट्रिक यार नहीं काम करेंगे। एंड मेरे को यहाँ पे ढूंढना है थोड़ा सा चीप बट जो हमें जिसमें एक्सटेंशन मिल जाए। सो मैं एक बार इसको चेक करता हूँ, इसके अंदर है फ्रंट लोडर, इसके अंदर हाँ भाई देर भी को, इसके अंदर फ्रंट लोडर है। व्हील सेटअप भाई एकदम नॉर्मल रखने वाले हैं भाई इसका हम, कि भाई मेरे को इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना। ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगा, तो मैं इसको करने वाला हूँ यहाँ पे। पहले एक बार टायर बैंड में चेकआउट कर लूँ, ट्रल बॉक के ही ज़्यादा बेस्ट है भाई, तो ट्रल बॉक के ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट से मैंने इसको यहाँ बाय कर लिया। एंड इसके मेरे को यहाँ पे ना क्या कहते हैं, मेरे को वो भी ख़रीदने अब सॉरी कहाँ पे है वो, कहाँ पे। सो ये रहा फ्रंट लोडर्स के अटैचर्स, ये कॉम्बिनेशन में मैं एक बार चेकआउट कर लूँ फटाफट से कौन सा इसके अंदर लग जाएगा। मतलब यार हम लोग कोई सा भी किसी में भी लगा सकते हैं किस, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो उसके लिए भाई मेरे को यहाँ पे छोटे वाले ही ख़रीदना पड़ेगा। सो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बाय देवी को। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे चाहिए सबसे बेस्ट वाला अटैचर जिससे कि भाई मैं एक बार में सारी चीज़ वगैरह आराम से डाल सकूँ। सो उसके लिए भाई बेल स्पाइक काफ़ी अच्छा वर्क करता है, बट बेल फॉक जो है ना वो थोड़ा और बेटर वर्क करेगा यहाँ पे, बिकॉज एक बार में उठा लेगा ना वो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मेरे को यहाँ पे चाहिए कुछ बेल, भाई यहाँ पे कुछ ऑफर्स में आ रखे हैं 41,000 का, भाई बहुत महंगा है स्टिल अभी भी। एंड भाई ये देखो भाई 8800 मल्टी रो, जो कि भाई कितना ज़्यादा खतरनाक है, बट इसका प्राइस भी भाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है यार, मैं अपने भटक रहा हूँ जो हमें करना है उससे। ठीक है, पैलेट्स हमें चाहिए भाई एक मिनरल फीड। ठीक है, ये मैंने बाय कर ली देवी को। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे, अब मेरे को चाहिए यहाँ पे बेल्स, जिसमें से मेरे को भाई चाहिए एक बड़े वाला हेबल। ठीक है, ये मैंने कर लिया। मेरे को चाहिए साइलेज बड़े वाला, इसका कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं भाई, पिंक विंक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ब्लू ब्लू भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेरे को चाहिए भाई स्ट्रॉ, तो ये मैंने यहाँ बाय कर लिया। तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पर कर ली है परचेज़। एंड भाई मैं टाइम को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे कि भाई सारी चीज़ें ना थोड़ी और जल्दी जल्दी वर्क करने लग जाएँ, क्योंकि भाई टाइम अब तक देखो 6:30 बजे है, वैसे एक्चुअल टाइम है जो हमें इतना ही टाइम लगता है रियल में भी, बस मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया इसको। एंड अब मैं लगा कर देखता हूँ भाई अटैच होना चाहिए यार वैसे, बिकॉज भाई इसके अंदर मैंने फ्रंट लोडर अटैचर लगाया है, सो ये चीज़ वर्क करनी तो चाहिए। बट मैं यहाँ पे चेकआउट करता हूँ फटाफट से, भाई कहना ढंग से लगाना पड़ेगा वो घुमा करके इसको। हाँ देर भी को परफेक्ट भाई, एकदम परफेक्ट जो मैंने कहा था भाई लास्ट एपिसोड में, मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लगा था भाई ये चीज़ फिगर आउट करने में, बट अब तुम्हारा भाई प्रो हो चुका है भाई एकदम। एंड देर भी को देख रहे हो, मतलब यार 2 सेकंड नहीं लगे कोई चीज़ करने। अरे भाई 1 सेकंड ओपन भी देखो, वाइड और स्मॉल भी कर सकते हैं हम इसको भाई साहब, यार ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यार ये तो। सो ये मैं ट्राई करता हूँ फटाफट से इसको लगा करना लगाने का इसमें, क्योंकि भाई ये है
काफ़ी ज़्यादा हार्ड चीज़, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है। एंड ये लो भाई साहब, बिना किसी दिक्कत के ये उठा लिया भाई इसको तो इसने, ये काफ़ी सही सी लगी मेरे को। एंड बाकी फ़िलहाल भाई और लाइट ऊपर देता हूँ मैं अभी बंद, बट इसको मैं फ़िलहाल के लिए भाई अभी उठा करके ना नीचे रखने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ नीचे की साइड, निकल जा भाई निकल जा। हाँ इसको अभी नीचे रखने वाला हूँ क्योंकि भाई इसको भी फिलहाल मैं लेने जाने वाला। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अरे भाई 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 पूरा घूम गए तो। अभी मेरे यहाँ पे क्या करना है, मेरे को सबसे पहले इसको करना है नीचे, ठीक है। अब मेरे को अटैच करना है पहले इनको, इनको लगाना है इस पर, इसको उठाना है, इसको उठाना है, इसको लगाना है आगे ऐसे। एंड इसको मेरे को ट्रांसपोर्ट कर देना है भाई अपनी कार पे। रुको रुको रुको, मेरे को प्यार से रखना पड़ेगा इसके ऊपर, एक सेकंड को मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, बहुत मज़ा आने वाला है इस चीज़ में यार। मतलब देख रहे हो तुम्हें कितना बढ़िया है, सुबह सुबह इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको मेरे को लाना है सिंपली, एंड ला करके मेरे को इसको यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके छोड़ देना है। एंड इसको मैं रख देना नीचे, देर वी गो, नीचे रख दिया मैंने इसके, ठीक है। अब मैं इसके अंदर भाई यहाँ पे स्ट्रैप वगैरह कर सकता हूँ क्या इसको, इस चीज़ को आई गेस यहाँ पे स्ट्रैप कर सकता हूँ। सो स्ट्रैप के लिए भाई यहाँ पे मेरे को यूज़ करना है आर एंड आर, देखो ऐसे कर मैं इनको टाइट कर सकता हूँ, बट फिलहाल मैं यहाँ पे इसको ऐसे यूज़ नहीं करने वाला। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और आगे की तरफ ना पुश कर देता हूँ, एक सेकंड को इसको थोड़ा सा आगे की तरफ पुश कर देता हूँ। टेढ़ा मजा टेढ़ा मजा, अरे भाई कहाँ जा रहा है, देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ कर देता हूँ, पुश 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 पुश, लेट्स गो, ठीक है भाई। भाई अभी हरकत हो जाती है भाई, गलत काम हो जाता है यहाँ पे, भैया टकने वाला था उसके अंदर, पर मैंने निकाल लिया आराम से, ठीक है। इसी मैंने यहाँ पर कर दिए। एंड अब मैं क्या करना है, मेरे को ये सेकंड वाला हेबल देख रहे हो, मतलब वीट देख रहे हो, वीट वाला बेल जो है इसको मेरे को यहाँ पर सिंपली उठाना है। एंड इसको भी भैया मेरे को लगा करके ना इसको ऊपर लगा, उसके जस्ट ऊपर लगा देना है। हाँ भाई ये ना एक तो ना अड़ जाता है नीचे कभी कभार, थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर देता है, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे को ना यहाँ पर एक्सपीरियंस हो चुका है इसके साथ में, तो मैं इसको आराम से यहाँ पर सिंपली उठा करके ऐसे उसके ऊपर रख सकता हूँ। कई मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्राउड से, यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे रिवर्स, इसको करूँगा मैं फ्रंट में, इसको ले जाऊँगा थोड़ा सा ऊपर करते हैं, एंड 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 धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग इसको ला करके सिंपली रख देना है इसके ऊपर ऐसे करके। एंड इसको मेरे को ला देना है रिवर्स में, देर वी गो, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब बारी आती है भाई अपने इसकी ग्रास बेल की, सो इसको मैं यहाँ पर उठाता हूँ, उठाई नहीं है तो देखो अब उठेगा ना, ठीक है। अब मैं इसको उठाता हूँ भाई ऑल द वे सबसे ऊपर, ओ भाई 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 आराम से भाई आराम से, क्या हो रहा है ये, अरे भाई साहब ये तो ऐसे रखा ही नहीं जाएगा यार इसको ऊपर, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। मेरे को लग रहा था ये सब आ जाएंगे इसके ऊपर, बट ये तो भाई छोटा निकला ट्रक हमारा, ट्रक तो भाई थोड़ा छोटा निकला भाई साहब। हमें भाई एक दो लेकर के आने तो भाई उसमें तो वर्क कर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भाई, पावरफुल भी नो डाउट बहुत ज़्यादा है ये, तो एक बार मैं उतरता हूँ यहाँ पे। अरे भाई 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 बच गए बच गए बच गए, सो एक बार इसके अंदर बैठता हूँ मैं, एंड एक बार यहाँ पे चेकआउट करता हूँ, फास्ट एंड सीट बेल्ट एल, हाँ देख रहे हो भाई कहीं भी नहीं रहेगा ये, देख रहे हो बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है आराम से ये। एंड गाइस मैं एक सेकेंड रुकूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई मार के देखता हूँ कि मैं कैसे भी करके अगर इसको इनके ऊपर रख दूँ, कैसे भी करके मतलब सिर्फ सिर्फ जचा दूँ इनके ऊपर, देन भी भाई यहाँ पे वर्क करेगा नहीं करेगा, क्या मैं अभी चेकआउट करता हूँ फ्रेंड से। रुक जा गलत करती है गलत करती है गलत करती है, यार मेरे को इसको उठाना पड़ेगा ऐसे 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 नीचे, ये उठा लिया ऐसे उठा लिया ऐसे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सीट बेल्ट लूज़ करता हूँ, ठीक है थोड़ा सा इसको साइड में लगाता हूँ, इसमें बैठता हूँ आ करके। एंड ऑल राइट, तो गाइस भाई साहब यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, मतलब भाई सारा का सारा सामान जो था वो मैंने भाई सिंपली ट्रक के ऊपर लोड कर दिया। एंड भाई जो सामान है भाई कितना आराम से लोड हो चुका है, एंड भाई ज़रा सा भी नहीं हिल रहा है देख रहे हो, मतलब कैसे भी चला रहा हूँ, कितनी तेज़ ट्रक अपना चलता है यहाँ पर, कितनी तेज़ कट मारता है भाई, सामान ज़रा सा भी नहीं हिल रहा है। एंड भाई एक सेकेंड भाई हमारा ट्रक पलट गया भाई, नहीं हेलो भाई मेरा ट्रक ही पलटा दिया भाई, मैंने इतनी टर्न मार दी इसमें भाई 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 भाई, रुको रुको इसको मैं सीधा करता हूँ उससे घुमा घुमा के अपने ट्रैक्टर से। तो गाइस मैंने अपना जो ट्रक था वो सीधा कर लिया है, एंड भाई मैं इसको यहाँ पे ना कहाँ गया भाई ट्रैक्टर, ठीक है ये रहा। इसका मैं फिलहाल मैं यहाँ पे टास्क सेट कर देता हूँ
कि भाई यहाँ पर आराम से आकर पहुँच जाएँ एंड देन फिर हम लोग भाई अपने यहाँ पर ट्रक लेकर चलते हैं। बट उससे पहले कुछ चीज़ें और मैं सोच रहा था लेने की, बट फिलहाल भाई अपने पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। सो फिलहाल आज की वीडियो बस मैं ना अपना ये ट्रैक्टर लेने वाला हूँ। सो लेट्स गो भाई, इसको फटाफट से लेके चलते हैं। एंड फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं टाइम को थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, बिकॉज भाई जल्दी से मुझे यहाँ पे चेकआउट करनी है काफ़ी सारी चीज़ें। तो यार वो अपने यहाँ पे लेकर चल रहा है, हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट मार सकते हैं। तो जैसा तुम लोग नीचे देख रहे हो, मतलब भाई यहाँ पे अपने पास 100% वाला बार जो है तीनों का चारों का यहाँ फुल हो चुका है, ये चीज़ मैंने अभी नोटिस करी है। एंड फिलहाल जिस फील्ड से हम लोग जा रहे हैं, फील्ड हमारी है क्या भाई? लगता है ऐसा जैसे हमारी फील्ड है ये। हाँ भाई हमारी फील्ड है, इस पर कुछ काम क्यों रखा यार? इसके अंदर मेरे को ग्रो करना पड़ेगा चीज़ें, तो इसके अंदर मेरे को अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह ग्रो करनी है। हमारी सारी फील्ड खाली पड़ी है यार, मैंने नया काम स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना भाई हम लोग फार्मिंग छोड़ देंगे। अभी हमारे पास काफ़ी सारी फील्ड्स और भी हैं भाई। ठीक है, तो फ्लॉट से यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं एंड मेरे को अपने ट्रक को पार्क करना है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, जिससे मैं सारा सामान निकाल करके भाई उसके अंदर डाल सकूँ एंड सारी चीज़ें देखता हूँ मैं। फिलहाल भाई इनका खाना वाना जो है वो ख़त्म होने वाला है बिल्कुल ही, लोग देख रहे हो कितना कम खाना बच रहा है इनका यहाँ पे। एंड मैं चेक करता हूँ भाई स्ट्रॉ व्रॉ प्रोड्यूस कर रही है नहीं कर रही। सो स्ट्रॉ का फिलहाल तो भाई कोई नामो निशान नहीं है, बट इनकी भाई मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ चुकी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है, हेल्थ भाई सबकी फुल है। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही चल रही है अपने यहाँ पे। एंड फिलहाल भी अपना ट्रक देख रहे हो भाई, क्या खतरनाक लग रहा है भाई, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। ठीक है, अपना फिलहाल भाई ये भी यहाँ पे आ चुका है, जो कि है भाई कहाँ गया, हाँ ठीक है ये रहा, ये भी हमारा वर्कर भाई यहाँ पे लेकर के आ चुका है इसको। तो भाई जल्दी से मैं काम करता हूँ, जितने भी हमारे पास सामान है ना उन सबको मैं क्लिक करके उनमें डालता हूँ एंड मिक्स करना स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद इनको हम लोग भाई फीड भी करना है। तो दो मिनट के अंदर मैं सारा काम करके तुमसे मिलता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, तो गाइस मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें जो थी वो डाल दी है। तो एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट से थोड़ा साइड पे पार्क करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, व्यू चेंज करता हूँ एंड भाई इनकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देता हूँ मैं। हम लोग भाई बी प्रेस करते हैं तो भाई मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है एंड फिलहाल के लिए जो मिक्सिंग है भाई वो हो चुकी है यहाँ पे स्टार्ट। एंड भाई एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? अरे फुल हो गया क्या? ओ माय गॉड, शिट भाई ये फुल हो चुका है एंड अपनी जगह यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है। सो एक सेकेंड दो मेरे को ना यहाँ पे जल्दी से इसको निकाल के हटाता हूँ ना, ये कैसे अपना जो है ना वो अंदर की तरफ पड़ा है एक, उसको भी मैं यहाँ पे देखता हूँ फटाउट से। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे काफ़ी सारे। एंड ये देखो भाई ये बैग अंदर ही पड़ा हुआ है, फंस चुका है जो कि भाई यहाँ पे, तो इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। सो एक सेकंड दो तुम मेरे को बस। और तो गाइस मैंने यहाँ पे ना जो भी एक्स्ट्रा वाला सामान था सारा, मतलब जो दोनों पड़े हुए थे वो मैंने इनको वहाँ पर बाहर निकाल दिया। एंड मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना, मैं इनको थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा मेरे पे था ना उसको मैं यहाँ पे फिलहाल अनलोड करने वाला हूँ, बिकॉज भाई ये ना बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है। इसके अंदर मेरे को भाई यहाँ पे ना मिनरल्स वगैरह डालने पड़ेंगे, जिससे कि भाई बाकी चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाए। सो मैंने एक्सेस जो था वो मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे साइड में डाल दिया भाई। एंड ये गंदा भी नहीं लग रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई ग्रास से हमने कोई डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पे। एंड अब मैं एक बार इन दोनों को बचे हुए जो इनको भी डालता हूँ फ्रॉड से, उसके बाद देखता हूँ यहाँ पे क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो तुम लोग दो सेकंड डाल के तुमसे मिलता हूँ सीधा। ऑल राइट, तो कैसे पूरा जो बार था यहाँ पे वो हो चुका है एकदम प्रॉपरली मिक्सड, मतलब जितने वहाँ पर कंटेंट थे भाई सारे प्रॉपर मिक्स हो चुके हैं भाई, एक लेवल पर आ चुके हैं। एंड भाई अपने पास वो बैग जो थोड़ा सा बच चुका है, ग्रास वगैरह अपने पास जितने थे वो सारी खत्म हो चुके हैं। एंड भाई अंदर खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो एक काम करता हूँ मैं, अरे मैंने टाइम को ज़्यादा तेज़ कर दिया भाई, शाम हो चुके हैं भाई बिल्कुल, तो टाइम को थोड़ा सा थोड़ी देख लिया हमें स्टॉप करना पड़ेगा। सो अब मैं फटाफट से यहाँ पे ना स्टार्ट कर देता हूँ भाई यहाँ पे ना खाना वाना डालना, एंड मेरे को थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा यहाँ पे, जिससे कि भाई एकदम सारी जगह ना एकदम इवनली स्प्रेड हो। एंड भाई कोई भी खाओ कहीं से भी आके खा ले तो कोई भाई दिक्कत ना होने, तो भाई एकदम इवनली मेरे को इसको पूरी जगह पर स्प्रेड करना है। सो देर वी गो भाई, ये हो चुका है हमारा पूरा एम्प्टी। एंड अब मैं करता हूँ यहाँ पे पार्क। एंड अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ बनना स्टार्ट हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो फिलहाल के लिए। एंड भाई यहाँ पे स्लरी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुका है भाई, बट बाकी चीज़ें नहीं हुई। सो ये यहाँ पे मैं चेक करता हूँ फटाफट से अपनी काउस की जो है भाई खाना, देखो यहाँ पे फुल हो चुका है वापस से। एंड यहाँ पे भाई काफ़ी सारी चीज़ें जो अभी नहीं हुई हैं। एंड बाकी इस चीज़ मैं एक चीज़ चेक करता हूँ भाई, अपना मिल्क प्रोडक्शन जो थी वो यहाँ पे कितनी हो चुकी है। एंड मिल्क प्रोडक्शन के लिए भाई मेरे को यहाँ पे टैंक चाहिए होगा, मेरा वो टैंक कहाँ पे है भाई? मैं वो तो मैंने सेल कर दिया था, मेरे को दोबारा खरीद के लाना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए ठीक है जैसे चल रहा है। तो मैं एक दो दिन और रुक के देखता हूँ यहाँ पे भाई अपने जो स्लरी जो स्ट्रॉ है उसकी प्रोडक्शन कैसे क्या स्टार्ट होती है। बाकी तुम लोग बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके भाई यहाँ पे स्ट्रॉ का क्या सिस्टम है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोगों को पता होगा तो भाई जल्दी से आगे बता देना। बट फिलहाल यार आज की वीडियो तय रखते हैं, आप लोग आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक चैनल को अपना सब्सक्राइब शेयर कर देना फ्रेंड्स, साथ मिलता हम लोगों से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।